तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है और इसका अपन को सम करना है और वो पाई बाय 4 के इक्वल आना चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये अपनी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी टाइप की टर्म आएगी। तो यहाँ पर इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, 2/3 यहाँ से लिया मैंने, यहाँ से मैं लूंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो कि माइनस का 1/3 एंड 2/3 क्यूब आएगा, 1/5 3 रेज टू पावर 5। इस तरीके से ये एक सीरीज है। सेकंड सीरीज जो बनेगी 1/7 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 क्यूब प्लस 1/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/7 रेज टू पावर 5। इस तरीके की, अब तुम्हें पता होगा कि जो टेन इनवर्स एक्स है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x-x³/3+x⁵5⁵x⁷⁷⁷। इस तरीके से तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से 2 को बाहर निकाल लूँ तो ये उसके बाद ये बचेगा 1/3 -1/3 एंड मल्टीप्लाई में 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 मल्टीप्लाई में 1/3 रेज टू पावर 5। इस तरीके से बच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 10 इनवर्स ऑफ 1/3। एंड वैसे ही अगर तुम इस सीरीज को देखोगे तो ये यहाँ पर 10 इनवर्स ऑफ 1/7 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 10 इनवर्स थीटा क्या होता है, 10 इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1 -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3+10 इनवर्स ऑफ 1/7 है। यहाँ पे इसको देखोगे तो ये 10 इनवर्स ऑफ 2/3 एंड डिवाइड में यहाँ पर ये 8/9 आएगा, जो कि 10 इनवर्स ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8। तो ये 10 इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा, 10+10 इनवर्स ऑफ 1/7। अगेन अपन को ये पता है कि जो 10 इनवर्स x+10 इनवर्स y होता है इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x+y/1 -xy, तो वो वाला लगा देंगे, तो ये 3/4+1/7 डिवाइडेड बाय 1 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 10 इनवर्स ऑफ 25/28 एंड यहाँ पे 28/25 आ जाएगा, तो ये 10 इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा जो कि 5/4 है। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।